Good morning to all of you. In our today's class, we will discuss our remaining exercise 14.1, question number 3 Factorize. Ready, everyone? स्ट्रेच लुक प्रॉपर वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लियर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई क्वेश्चन की फॉर्मेट इस टाइप का होगा आपके बेटा फोर टर्म्स गिवन होगा वन टू थ्री फोर फोर टर्म्स में आपको कॉमन पार्ट चूज करना होगा क्लियर यू कैन गिव मी आंसर एनी वन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स विच पार्ट इज कॉमन एक्स ओके फर्स्ट पार्ट में एक्स कितना टाइम है बेटा टू टाइम है सेकेंड पार्ट में एक्स कितने टाइम है वन टाइम है तो एक्स कॉमन लिया आपने क्लियर एक्स कॉमन लिया फर्स्ट पार्ट में से एक्स कॉमन लिया वन टाइम कॉमन लिया तो वन टाइम रिमेनिंग हो गया देखो बेटा है ना नो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ना तो बेटा एक्स स्क्वायर है ना इट मीन्स क्या है बेटा एक्स मल्टीप्लाई एक्स और एक्स वाई का मीनिंग क्या है एक्स मल्टीप्लाई वाई अब ध्यान से समझना बेटा ये टू टर्म्स है इसमें से मैंने क्या एक्स इस साइड में भी आ रहा है एक्स ये साइड में भी आ रहा है तो एक्स क्या किया बेटा कॉमन लिया क्या लिया बेटा कॉमन अब जो रिमेनिंग पार्ट होता है ना वो ब्रैकेट में नोट डाउन किया जाता है तो ये एक्स कॉमन है ना रिमेनिंग बच गया ये क्या है बेटा प्लस ये क्या बच गया रिमेनिंग पार्ट में वाई ऐसा लेते हैं बेटा है ना तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड है मैं और कह देता हूँ आपको एक बार नहीं आप जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका हैबिट होएगा तो मैंने क्या किया बेटा ये फर्स्ट टू पार्ट में से एक्स कॉमन लिया तो इधर से एक्स वन एक्स और इधर से वाई रिमेनिंग और ये सेकंड एंड थर्ड थर्ड और फोर्थ लास्ट टू टर्म्स टू में से विच पार्ट इज कॉमन यू नो वेरी वेल एट कम इन बॉथ साइड एड दोनों साइड में आ रहा है इसलिए एड क्या हो गया बेटा कॉमन पार्ट तो बेटा एट कॉमन लिया तो ये से ये साइड से एक्स रिमेनिंग हो गया फिर प्लस एज इट इज एंड ये, ये साइड से एड कॉमन आ चुका है इसलिए वाई रिमेनिंग ओके नाउ वी हैव ओनली टू टर्म्स फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म अब अपने पास में कितनी टर्म्स हो गए बेटा टू टर्म्स क्लियर स्टार्टिंग में फोर टर्म्स थी फोर टर्म्स से आपने टू टर्म्स में कन्वर्ट किया अब टू टर्म्स में क्या कॉमन है बेटा तो देखो फर्स्ट टर्म्स में एक्स प्लस वाई कॉमन है और सेकंड में भी एक्स प्लस वाई कॉमन है तो एक्स प्लस वाई कॉमन लिया बेटा देखो ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस वाई कॉमन लिया तो, तो इधर से क्या बच गया एक्स और फिर यह प्लस एज इट इज और एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया तो क्या बच गया बेटा एट ओके So, your answer is x plus y and x plus 8 is your factor. Clear? Next part. Look proper. 8 for 15xy plus, sorry, minus 6x. 15xy minus 6x plus 5y minus 2. Okay? अब आपको अरेंज करने का है रीअरेंज है ना इसको बोलेंगे ग्रुपिंग क्या कहेंगे बेटा अब यू कैन लुक एंड गिव मी आंसर हाउ मेनी टर्म्स वन टू थ्री फोर टर्म्स है अब अपने को बेटा टू का ग्रुप में कन्वर्ट करना है यानी टू टू का ग्रुप करेंगे और उसमें से कॉमन पार्ट लेना है क्लियर ओके okay? अभी फर्स्ट टू पार्ट हैं फिफ्टीन के फैक्टर कर लिया आपने थ्री मल्टीप्लाई फाइव थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव थ्री फाइव या फिफ्टीन ओके फिर क्या है आपका एक्स वाई फिर माइनस अब सिक्स के फैक्टर किया आपने टू मल्टीप्लाई थ्री टू थ्री जा सिक्स फिर एक्स एज इट इज ये नंबर में कोई पार्ट कॉमन नहीं है ना फाइव वाई माइनस टू एक बात और बता देते हैं आपको है ना जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता है ना उधर क्या होता है वन होता है फाइव फाइव को वन से मल्टीप्लाई कर दिया कोई है ना इफेक्ट नहीं होता है टू का वन से मल्टीप्लाई कर दिया कोई इफेक्ट नहीं होता है है ना जिसका कोई भी मल्टीपल नहीं होता है वो क्या होता है बेटा वन होता है अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से अपने को कॉमन लेना है तो बेटा थ्री ए साइड में भी है थ्री ए साइड में भी है तो थ्री क्या हो गया आपके लिए कॉमन और क्या है एक्स ये साइड में भी है एक्स ये साइड में भी है तो एक्स क्या हो गया आपके लिए कॉमन अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपको ब्रैकेट में नोट डाउन करना है एक्स आपका कॉमन हो गया थ्री भी कॉमन हो गया है ना थ्री एक्स कॉमन हो गया तो क्या बच रहा है बेटा फाइव वाई ये हो गया आपका फाइव वाई ओके फिर सिंबल क्या है माइनस फिर आपने थ्री और एक्स कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट कितना है टू ये हो गया आपका टू क्लियर फिर क्या है आपका देखे देखे। प्लस अब मुझे बताओगे आप बेटा देखे देखे ये फाइव बाय और टू इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना जिस इस कंडीशन में जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है बेटा उसका वन होता है कॉमन है ना जो वन है कॉमन है तो वन तो बहुत साइड है ही है तो इधर से फाइव बाय और इधर से टू वन कॉमन लिया ना आपने तो इधर से फाइव बाय और इधर से टू इधर से फाइव बाय और ये क्या है बेटा सिंबल नेगेटिव या टू वन जार टू है ना तो वन आपने क्या लिया कॉमन तो रिमेनिंग पार्ट क्या है टू नाउ गिव मी आंसर हाउ इन टर्म्स वन एंड वन टू टर्म्स अब टू टर्म्स में से विच पार्ट इज कॉमन जो सेम दिखता है ना बोथ साइड दोनों साइड में सेम दिखता है वो कॉमन होता है ये देखो बेटा फाइव फाई माइनस टू और ये भी क्या है फाइव फाई माइनस टू तो इसको आपने वन टाइम नोट डाउन किया फाइव माइनस टू ओके टू टर्म्स होते ना मोर देन टू वन टर्म्स तो उसको ब्रैकेट में नोट डाउन किया जाता है तो फाइव वाई माइनस टू कॉमन लिया तो रिमेनिंग पार्ट में क्या बच रहा है बेटा इधर से थ्री एक्स ये हो गया आपका थ्री एक्स और ये साइड से प्लस वन ये हो गया प्लस वन सो योर फैक्टर इज सो योर फैक्टर इज फाइव वाई माइनस टू एंड थ्री एक्स प्लस वन थ्री एक्स प्लस वन दिस इज योर फैक्टर ओके नेक्स्ट इसको रिपीट करें है ना गुड वन टू थ्री फोर टर्म्स हैं तो सबसे अपना बेसिक क्या होता है फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया जाता है और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लिया जाता है तो फर्स्ट टू टर्म्स के फैक्टर किया आपने फिफ्टीन के थ्री और फाइव क्लियर और सेकंड टर्म सिक्स एक्स के फैक्टर किया आपने टू थ्री या सिक्स अब ये साइड में से बेटा टू थ्री और एक्स ये साइड में भी आ रहा है और थ्री और एक्स ये साइड में भी आ रहा है जो दोनों साइड आता है ना उसको बोलते हैं कॉमन पार्ट और कॉमन पार्ट को ब्रैकेट के आउटसाइड में नोट डाउन किया जाता है फिर ब्रैकेट के इनसाइड में क्या आएगा जो रिमेनिंग पार्ट है थ्री और एक्स आ चुका है ना बेटा अब थ्री और एक्स नहीं ले है ना अभी आपको फाइव फाइव लेना है ओके और ये थ्री एक्स कॉमन आ चुका है तो क्या है रिमेनिंग पार्ट ये माइनस सेम एज सेम ऐसा नंबर जिसमें कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है तो ब्रैकेट के आउटसाइड में क्या आएगा वन बिकॉज वन जो है ईच एंड एवरी नंबर्स का क्या होता है फैक्टर होता है क्लियर देखो फाइव फाइव का मैंने वन से मल्टीप्लाई किया तो फाइव वाई ही आता है ना और टू का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ही आएगा सो वी कैन सेट एट वन इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर तो वन आपने बाहर कॉमन लिया है ना अब ब्रेकेट में क्या है फाइव फाइव माइनस टू एज इट इज इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा ना वो ऐसा का नंबर ही ऐसा ही आएगा और ब्रैकेट के आउटसाइड में आपको वन फिर बेटा अभी देखो फाइव फाइव माइनस टू ये टर्म में भी है और फाइव फाइव माइनस टू ये टर्म में भी है तो आपने फाइव फाइव माइनस टू क्या लिया कॉमन और रिमेनिंग पार्ट क्या है थ्री एक्स प्लस वन ये ओके आर यू अंडरस्टूड क्लियर नेक्स्ट लुक प्रॉपर लुक लुक बेटा एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा अब मुझे ये देखो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया जाता है और लास्ट टू टर्म में से कॉमन लिया जाता है फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन है फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है देखो और गिव मी आंसर यस एक्स आपको ये साइड में दिख रहा है एक्स ये साइड में भी दिख रहा है तो एक्स क्या है एक्स क्या है कॉमन एक्स क्या है कॉमन तो ये रिमेनिंग पार्ट में क्या बचेगा आपके ए और ये प्लस और ये बी ए प्लस बी ओके अब ये सेकंड जो अपना ग्रुप है है ना लास्ट टू टर्म्स ये कॉम में कॉमन क्या है तो बहुत बच्चों को दिख रहा है सर ये साइड में भी माइनस दिख रहा है ये साइड में माइनस दिख रहा है तो माइनस तो कॉमन है और विच पार्ट इज कॉमन वाई ये साइड में भी है सर और वाई ये साइड में भी है तो वाई क्या हो गया आपका कॉमन और ब्रैकेट आपने बेटा माइनस कॉमन ले लिया ना माइनस जहाँ कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस ओके okay. तो रिमेनिंग पार्ट क्या ए प्लस बी ए और ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस रिमेनिंग पार्ट वाई तो हो गया ना कॉमन और बेट क्या गया आपके बी ओके okay. टू टर्म तो आपका रिमेनिंग हो रहा है टू टर्म में से विच पार्ट इज कॉमन देखो बेटा ए प्लस बी ये साइड भी आ रहा है ए प्लस बी ये साइड भी आ रहा है तो आपने ए प्लस बी क्या किया है कॉमन तो रिमेनिंग पार्ट क्या है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई सो योर फैक्टर इज ए प्लस बी एंड एक्स माइनस वाई इज योअर फैक्टर आर यू अंडरस्टूड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन लुक प्रॉपर अब थोड़ा ग्रुपिंग अरेंजमेंट करना है ये इस जिस टाइप क्वेश्चन और आपको नाइन टेन क्लास में फिर से आएगा तो इसमें ग्रुपिंग करना सिखा रहा हूँ मैं आपको अब देखो बेटा फिफ्टीन है इधर भी फिफ्टीन है ये साइड नाइन है ये साइड ट्वेंटी फाइव है अगर आप फर्स्ट टू पार्ट में से कॉमन लेते तो फिफ्टीन आ सकता है बट देखो लास्ट टू पार्ट में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है है ना कोई डिजिट भी नहीं आ रहा है तो अपन ऐसा ग्रुप बना लें है ना ऐसा ग्रुप बना लें फिफ्टीन पी क्यू एंड नाइन क्यू का ग्रुप बना लेते हैं तो देखो फिफ्टीन भी थ्री की टेबल में आ रहा है नाइन भी थ्री की टेबल में आ रहा है तो थ्री कॉमन हो जाएगा और क्यू ये साइड भी आ रहा है क्यों ये साइड भी आ रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो मैं इसका किसका ग्रुप कर रहा हूँ फिफ्टीन पी क्यू और नाइन क्यू का ग्रुप किया मैंने फिफ्टीन पी क्यू और प्लस नाइन क्यू का ग्रुप बना लिया अब रिमेनिंग पार्ट क्या है बच्चों फिफ्टीन है और ये साइड से क्या है प्लस ट्वेंटी फाइव पी प्लस ट्वेंटी फाइव पी ओके अभी आपका ये इसको बोलते हैं बेटा रीग्रुपिंग करना मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा जो आपको है ना लाइक लाइक टर्म दिख रहा था ना उसको मैंने पास में अरेंज कर लिया उसको रीग्रुपिंग कहते हैं है ना इसको अभी आपका क्या हो गया अभी आपके क्या हो गया अभी इसमें आपका थ्री कॉमन है हाउ बिकॉज थ्री की टेबल में फिफ्टीन कितनी टाइम आता है थ्री फाइव जा फिफ्टीन पी मल्टीप्लाई क्यू ओके प्लस अब नाइन का फैक्टर किया आपने थ्री थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन मल्टीप्लाई क्यू ओके अब ये बेटा थ्री फाइव जा फिफ्टीन प्लस अब ट्वेंटी फाइव का जो हो गया ये हो गया आपके फाइव फाइव जा और ये पी ओके आपको क्या बात सिखाया मैंने फर्स्ट ये वन टर्म और ये टू टर्म तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या है तो बेटा थ्री ये साइड में भी आ रहा है थ्री ये साइड में भी आ रहा है तो थ्री क्या हो गया आपका कॉमन और बेटा क्यू ये साइड में भी आ रहा है क्यू ये साइड में भी आ रहा है तो क्यू क्या हो गया आपका कॉमन फाइव ये साइड में है बट ये साइड नहीं है ना तो कॉमन नहीं है और पी ये साइड में है बट ये साइड में नहीं है तो कॉमन नहीं है है ना जब रिमेनिंग पार्ट आपको ब्रैकेट के इन साइड में नोट डाउन करना है थ्री और आ गया क्यू आ गया तो फाइव और पी रिमेनिंग पार्ट ये फाइव पी रिमेनिंग पार्ट फिर क्या बेटा प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल थ्री और क्यू कॉमन आ चुका है ना बेटा देखो थ्री और क्यू कॉमन आ गया तो रिमेनिंग वाला ये वाला थ्री है ना ये थ्री फिर ये वाला प्लस अब लास्ट टू टर्म में से कॉमन लेना है आपको ये इधर भी फाइव है सर इधर भी फाइव है तो क्या आ गया फाइव कॉमन और तो कुछ कॉमन नहीं है ना तो ये फाइव कॉमन आया तो रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ से बच्चों थ्री फिर क्या सिंबल है प्लस फिर बेटा फाइव कॉमन आ गया तो रिमेनिंग पार्ट क्या है फाइव क्यू ये वाला फाइव क्यू नावलुक ईच एंड एवरी टर्म हर क्वेश्चन में आपको अब जो ये ब्रैकेट वाले बनते हैं ना ये ब्रैकेट वाला पार्ट ही कॉमन आता है तो ब्रैकेट वाले पार्ट को वन टाइम नोट डाउन किया आपने देखो बेटा फाइव पी प्लस थ्री है ना रिमेनिंग ये आपका कॉमन पार्ट देखो फाइव पी प्लस ये साइड में भी है और देखो सॉरी ये आपके क्यू हो गया ना ये आपका पी हो गया और इसमें ये क्या है बेटा पी है फाइव पी क्या है ये फाइव पी तो देखो दो बहुत टर्म्स में थ्री प्लस फाइव पी और ये भी क्या है थ्री प्लस फाइव पी कॉमन हो गया तो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से क्या है बच्चों थ्री क्यू तो ये हो गया आपका थ्री क्यू और ये साइड से क्या है प्लस फाइव ओके दिस इज योर फाइनल आंसर तो इस टाइप से और बहुत सारे क्वेश्चन अभी होमवर्क करने के लिए दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस करनी है जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे है ना तो उसको अच्छे से समझ में आएगा बार बार वीडियो देखें बार बार प्रैक्टिस करें मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा ही है आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कुछ आइडेंटिटीज़ हैं नेक्स्ट बट क्या है कि आपके कोर्स में ये है ना कट आउट हो चुका है लेकिन आइडेंटिटी आपको लर्न रखना है ठीक है तो नेक्स्ट चैप्टर अपन क्या करेंगे बेटा चैप्टर फिफ्टीन ग्राफ्स तो ग्राफ्स के बारे में अपन सिखाऊंगा मैं आपको क्लियर गुड बाय डू प्रैक्टिस ऑल द बेस्ट